बहादुर ने ये आरोप लगाया है कि गुरुवार देर शाम को जब वह अपने घर जा रहा था तब ग्राम प्रधान और उसके साथियों ने उसे रोककर गाली गलौज की। विरोध करने पर उन्होंने उसको बुरी तरह मारा पीटा। डीएम को दिए गए अपने शिकायती पत्र में चंद्रमोहन ने कहा है कि ग्राम प्रधान उससे पूर्व से रंजिश रखता है, इसी कारण उसे बीती रोज प्रधान ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से मारकर घायल कर दिया। इसी हमले के बाद उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। जब मैंने गौशाला के बारे में कहा था प्रधान जी से, तो प्रधान जी ने कहा था कि गौशाला आपको नहीं मिल सकता क्योंकि आप इस गाँव के सदस्य नहीं हो, क्योंकि मेरे दादाजी थे जो सतनापाल के थे ना, उन्होंने कहा कि आपको कोई हक नहीं बनता यहाँ पे। उन्होंने उसके बाद में ब्यूरो साहब के पास गया था, तो ब्यूरो साहब से मैंने बात की, तो मैंने कहा सर जी आप क्यों मना कर रहे हैं, प्रधान जी कह रहे हैं कि आपको नहीं मिलेगा। तो वहीं पर प्रधान जी जिस दिन आए थे, तो प्रधान जी ने मेरे पर धक्काबाजी की उसने, और मैं अपने इंसान हूँ सर, मैं अपने रोजी रोटी कैसे कमा रहा हूँ खा रहा हूँ, उसने वहाँ पर बदतमीजी की मेरे साथ में। तो उसके बाद जब उन्होंने फिर मैंने वो ब्लॉक उसके बाद में आया था एस डी एम साहब से, सर इसमें एफ आई आर मैंने दर्ज करवाई थी लेकिन उसमें कोई अमल नहीं हुआ अभी तक, 4 महीने हो गए। तो कल उन्होंने मेरे पापा जी को गांव से आ रखे मजदूर करके, तो गांव के सर उन्होंने एक बीच में गदरा पड़ता है, तो वहाँ पे एक प्रमोद सिंह रावत जी ग्राम सभा प्रधान जी हमारे, और भगीरथ जी पुत्र श्री परशुराम जी हुए, और कोमल सिंह रावत सनोब बलवंत सिंह रावत जी, उसे उन्होंने लाठी और डंडों से मेरे पापा जी का सर पूरा फोड़ा हुआ सर जी। तो उसमें सर जी मैं सुबह घंडियाल गया था, तो घंडियाल में टांके लगा फिलहाल के लिए, और मैं चाहता हूँ सरकार से कि हम लोगों का मतलब ये मतलब मेरे कोई मतलब हमारी मतलब ये कमी है कि हम या मैं अपाहिज हूँ या मैं दिव्यांग हूँ या मेरे कोई सहायता नहीं कर सकता कोई सरकार, तो मैं सरकार से सर ये सहायता देना चाहता हूँ कि ऐसे ग्राम सभा प्रधान पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की करने की मांग कीजिए सर। आपका नाम? सर जी मेरा नाम राकेश कुमार है, ग्राम सभा भेड़गांव से हूँ मैं, और मेरे पिताजी का नाम श्री चंद्रमोहन जी हैं। तो सर मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि ऐसे इंसान के लिए वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई। उधर प्रधान प्रदीप रावत ने बताया कि शिकायतकर्ता चंद्रमोहन और उसके साथी भी आए दिन शराब पीकर गांव में उत्पात मचाते हैं, गाली गलौज करते हैं। बीती रोज भी उसने शराब पीकर गाली गलौज की, जिसकी शिकायत उसने तहसीलदार से भी की थी। मारपीट के आरोपों को उन्होंने निराधार बताया। भाई साहब, जिस तरह का प्रकरण आप हमें अवगत करा रहे हैं, कल शाम की घटना है, चंद्रमोहन पुत्र वीर बहादुर और कंठालाल पुत्र बालक राम संयुक्त रूप से गांव में शराब पीते हैं और अराजकता फैलाते हैं, गाली गलौज करते हैं। इस तरह का इनके साथ एक प्रेम प्रकाश पाटवाल भी है जो इनके साथ मिले भगत है इनकी। ये आए दिन शराब पीकर एक अशांति का माहौल इन्होंने गांव में पैदा कर रखा है, जिसकी हमने लिखित शिकायत भी कल मेरे पे साक्ष्य है, मैंने नायब तहसीलदार साहब को मैंने इनको भेजा है, शोभन सिंह कठे जी को, इसकी सूचना मैंने रात को 9:51 पर लिखित रूप से उनको भेजा। इस आप मेरे पे व्हाट्सएप के माध्यम पे मेरे इसका वो है वो प्रमाण है, जिसकी मैंने इनकी पूरी शिकायत दी जित की थी। भाई साहब, इस तरह के वो प्रकरण हो रहा है गांव में, अराजकता का माहौल पैदा कर रहा है ये। इस तरह ये लोग मूल निवासी नेपाल के रहने वाले हैं और यहाँ गाँव में रह कर ये उत्तराखंड का मूल निवास बना के यहाँ पर जाति का प्रमाण पत्र बना के और जाति सूचक शब्दों में सामान्य जाति के लोगों को फंसाने का एक षड्यंत्र करते हैं। इनका मुखिया जो है ये कंठालाल है, जो राजनीतिक द्वेष के कारण ये इस तरह की घटना हम पर एलिगेशन लगाता है, जिसका मैं पूर्ण रूप से खंडित करता हूँ। इस मेरे हम इस घटना में कोई हमारा हाथ नहीं है, कोई सम्मिलित नहीं है, ये आपसे रंजिश हुई इन लोगों की, पूरे गाँव को सबको पता है। आप अगर मैं जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन करूँगा कि जाँच टीम को भेजे और इनको पता चले कि गाँव में किस तरह का माहौल चल रहा है, किस तरह का माहौल इन लोगों ने क्रिएट कर रखा है। कंठालाल इसका बहुत ही बड़ा एक सरगना है, आज दिन पहले भी इनका शराब के कल कच्चे कारखाने चलते थे, और जब हम प्रधान बने हम उनके इनका सारा वो धंधे बंद करें तो ये हम पे इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, जिसका मैं आज पूर्ण रूप से खंडित करता हूँ। और मेरे साथ इन्होंने 2-3 लड़कों के भी युवाओं के नाम भी जोड़े हैं, लेकिन वो जो जबकि वो इस घटना में उनका उन सबका भी किसी का कोई हाथ नहीं है। और मैं धन्यवाद, मैं आपके माध्यम से मुझे इस खबर का पता चला। वहीं जिलाधिकारी ने शिकायत मिलने पर तहसीलदार को जांच के आदेश भी दिए। अभी तक तो अपना एक शिकायत पत्र लेके आए थे, जिन्होंने अपना मामला बताया है कि उनके साथ में किसी व्यक्ति द्वारा प्रधान के द्वारा मारपीट किया गया और जिसके वजह से उनके परिवारजन को काफी चोट भी आई है। तो उस संबंध में मैंने उनको एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे दिया है, तहसील कार्यालय में जाकर अपना जो तहसीलदार साहब होंगे उनके सामने प्रस्तुत करेंगे और उसको संबंधित जो वहाँ के राजस्व उप निरीक्षक होंगे उनके माध्यम से इसको दर्ज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सर लॉकडाउन के टाइम पे इस समय जैसे आचार संहिता के टाइम पे इस तरह से मामले आ रहे हैं, अगर जनप्रतिनिधियों पर आरोप लग रहे हैं, तो इस पर प्रशासन किस तरह से एक्शन लेगा?
कोई भी प्रकरण इस तरह का होता है जहां पर मारपीट हो रही है निर्वाचन के समय में, तो उसको हम लोग जो गंभीरता से लेंगे, और कोई भी मामला अगर संज्ञान में आता है तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। वर्तमान में मामला संज्ञान में आ गया है, संबंधित तहसीलदार पौड़ी जो है। पौड़ी से भगवान सिंह, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश।